हम सबको और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सुनील भाई दिन रात काम कर रहे हैं, हमको भी आगे बढ़ के इसमें काम करना ही चाहिए। अपने तो पूर्वज जैसे सब घर के अंदर रखे गौ रखते थे, अपनी अभी कैपेसिटी नहीं है गौ रखने की। हमारे पास सभी गाड़ियाँ आ गई, गौ हमारी चली गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना हम काम करेंगे। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मारुति मेडिकल्स के उनके इंचार्ज को। तो हम लोग शायद फ्राइडे से स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने किट भी बनाया हुआ है, तो 20 आश्रम में हम लोग किट का सप्लाई का सोचा हुआ है। क्या हर चीज़ जो गायों के लिए जो व्यवस्थित होनी चाहिए वो हिसाब से होनी चाहिए, जैसे कि उनके चारा का हो, उनका मेडिकल हो, उनका देखभाल हो, उनका सफाई हो, ऐसे बहुत ज़रूरी है गौशाला में। हर गौशाला में ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। उनका पानी की व्यवस्था है, शुद्ध पानी उनको हम बहराए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी पड़ा हो 15 दिन के बाद पड़ा हो पानी, उसी के अंदर पानी भरते जाओ, उसके जीवन की उत्पत्ति होती है, तो वो होनी नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हर टैंक के अंदर चूना का व्यवस्था करते हैं और फुटेकरी का उपयोग। हम लोग आज सवेरे स्वरमंगला गौशाला के प्रांगण में इकट्ठे होकर गौ सेवा का लाभ ले रहे हैं। जैसे कि हमारे दिनेश भाई ने बताया, सुनील भाई गाजा जिनके पिताजी उत्तमचंद जी गाजिया भी कई वर्षों तक, सॉरी उत्तमचंद जी दुगढ़ भी कई वर्षों तक शहर में विराजमान आत्माओं के चरण में समन्वय बना। आज के इस गौशाला के पुनीत कार्य में पधारे हुए सभी गणमान्य सदस्यों का सादर जय जिनेंद्र, सेवा ट्रस्ट से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण पूर्व पदाधिकारी का सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम हर वर्ष जो अपने झोली में जो दान राशि एकत्रित होती है, हम कहीं ना कहीं गौ माताओं के शेड के निर्माण हेतु प्रदान करते आ रहे हैं, जो कि इस बार हम महावीर जन्म कल्याण महोत्सव का सामूहिक आयोजन नहीं कर सके, फिर भी पदाधिकारियों का एक चिंतन था कि कुछ ना कुछ कार्य किया जाए। इसमें विशेष तौर पे महावीर भाई मुणोत का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वर्किंग कमेटी में एक बार कहा भी था कि गौशाला का कार्य करना चाहिए, तो उसी की सोच को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े। और सदस्य परिवार, संगठन के सदस्य परिवार, ट्रस्ट के सदस्य परिवार से जो हमें सहभागी हमेशा सेवा देते रहे, और कोरोना काल में जो ले एक मारो पाँव, हाँ पाँव भर रखो, पाँव मत रखो, जिनकी सेवा में लगे हैं। भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आज जैन युवा संगठन के कर्मठ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है और गौ सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, और हमारे समक्ष जिनेंद्र वंदे मातरम। आज एक अत्यंत हर्ष का दिवस है, क्योंकि आज जैन युवा संगठन द्वारा गौ सेवा, गौ माता की सेवा में संपूर्ण जैन समाज से जुड़े और उनके अर्थ विसर्जन के माध्यम से यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रहा है। संपूर्ण जैन युवा संगठन की टीम हमारे समक्ष काफ़ी उत्साह के साथ इस सेवा में लगे हुए हैं। नहीं मैं कर दूँ, मैं सब कर दूँ, आप टेंशन मत। टीम यहाँ पर साथ देते हुए आतिश भाई, हमारे आतिश भाई काफी उत्साहित। देखो पापड़ भी मिला, वेरी गुड वेरी गुड। कमलेश भाई सहयोग से आज ये कार्य संपन्न हो रहा है। जैनियों संगठन का अहोभाग्य है कि हर साल हम गौ माता के लिए शेड के निर्माण हेतु राशि इकट्ठा करके देते थे समस्त जैन समाज के साथ। लगभग कितने गाय हैं यहाँ पर? लगभग 1200 गाय हैं। 1200 गाँव गौ माता की सेवा में जैन युवा संगठन तत्पर है। आज के हमारे दोनों, और यहाँ पे कबूतरशाला भी है, यहाँ पे कबूतर का भी यहाँ पे दाना दिलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूं ही जेवाईएस के मंत्री श्रीमान मुकेश भाई बाबेल, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, वेलकम सर, वेलकम। काफ़ी उत्साह के साथ गौ माता की सेवा में लगे हुए संपूर्ण जैन युवा संगठन।